17 सेकंड की एक मैनिफेस्ट टेक्निक है जिसे यूज करके आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो। क्या आप किसी को चाहते हो, मतलब आप अभी तक उसे पाया नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान, आप पा सकते हैं, ये पूरी तरह संभव है। आप 17 सेकंड की मैनिफेस्ट टेक्निक को यूज करके अपने सपने को पूरा कर सकते हो और ये टेक्निक आकर्षण के सिद्धांत का एक पार्ट है। वो सिद्धांत जो ये कहता है कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी में जैसे चाहे वैसे परिस्थिति ला सकते हो। वैसे तो आकर्षण के सिद्धांत के बहुत सारे पार्ट हैं जिसकी मदद से कुछ भी परिस्थिति को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी में, पर आज आप लोगों को इसी सिद्धांत के सबसे सरल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं और उस टेक्निक का नाम है द 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक। इस टेक्निक में आप जो चाहते हो उसे 17 सेकंड तक विजुलाइज करना होता है। मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले क्लियर रहो कि आप क्या चाहते हो। आप अगर क्लियर रहोगे तभी आप इस टेक्निक को यूज कर पाओगे। इस टेक्निक को अमेरिका के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहम हिक्स ने बताई थी। इस टेक्निक को प्रयोग करने के लिए हाँ आपके पास गोल होना चाहिए। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, मतलब आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो, चाहे कोई चीज हो या कोई इंसान या फिर कोई परिस्थिति, यानी आप जो भी चाहते हो उसी चीज को 17 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करके रखना है। अगर आप 17 सेकंड तक अपने दिमाग में किसी परिस्थिति, मतलब किसी एक ही चीज पर फोकस कर सकेंगे तो आपकी अवचेतन मन में इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और अवचेतन मन के कारण ही आपकी जिंदगी में जो परिस्थिति है उस पर असर होता है और इस टेक्निक से आपकी अवचेतन मन की शक्ति एक गजब तरीके से बढ़ जाती है। जब आप 17 सेकंड तक किसी भी एक चीज में फोकस करते हैं तो उसमें आग जैसी ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप दूरबीन को कागज के सामने रखते हो और सूर्य के किरणें दूरबीन से पार होके कागज को जला देता है, ऐसे ही आपकी अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और आप इस अवचेतन मन को समझने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और मोटिवेटेड बन जाओगे जो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर आप 17 सेकंड तक किसी एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक द एक्ट एज इफ टेक्निक में मदद करता है। तो द एक्ट एज इफ टेक्निक क्या है? तो द एक्ट एज इफ टेक्निक में आपको एक्ट करना होता है, मतलब वैसा ही ड्रामा करना पड़ता है जैसे आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो वो चीज आपको मिल चुका है, ऐसी फेक इमेज बनाना पड़ता है। और जब आप वैसा फेक इमेज बनाते हो जैसे वो आपको मिल चुका है तो ये ब्रह्मांड आपको एक ना एक दिन वो परिस्थिति आपके सामने ला ही देता है। लेकिन बात ये है कि द एक्ट एज इफ टेक्निक यूज कर पाना इतना आसान नहीं है। इस टेक्निक में एक समस्या आती है और वो समस्या है आपके दिमाग की सोच की। जब आप द एक्ट एज इफ टेक्निक यूज करते हो और सफल होने की ड्रामा करते हो तो आपका दिमाग कहता है कि क्या समझते रहे अपने आप को, हाँ इतना बड़ा आदमी नहीं है, जान ले तू। तो इस टेक्निक को यूज करते हो तो यही सब चीजें आपके दिमाग में बार बार आता है। लेकिन यही दिमाग की समस्या को रोकने के लिए मैं आप लोगों के लिए द 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक को लाया हूँ। इस टेक्निक की मदद से आप नेगेटिव थॉट को दूर कर सकते हो। तो द 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक को कैसे यूज करें? तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप जो चाहते हो उसी चीज को 17 सेकंड तक विजुलाइज करना होता है। आपको इस टाइम ये फील करना होता है कि आपको वो चीज पहले से मिल चुका है। जब वो चीज आपको मिल जाएगी तब कैसा आनंद आता है, उस आनंद को बनाए रखना। और मैंने आनंद के बारे में इसलिए बोला क्योंकि जब आनंद में रहते हो तो आपकी शरीर की फ्रिक्वेंसी हाई होने लगती है और शरीर की फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो आकर्षण के सिद्धांत अच्छे से काम करती है। मतलब 17 सेकंड तक अपने गोल पर ही फोकस करो। याद रहे कि उस टाइम कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। यदि आप 17 सेकंड तक किसी एक ही विचार को होल्ड करने में सफल रहे तो वो विचार आपकी अवचेतन मन के द्वारा ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। आपकी शरीर की फ्रिक्वेंसी और आप जो चाहते हो उसकी फ्रिक्वेंसी, ये दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच ये ब्रह्मांड एक रेखा खींच देती है। 17 सेकंड से भी आगे जाना चाहते हो तो 17+17=34, मतलब आप 34 सेकंड तक फोकस करते हैं किसी एक ही चीज पर, तब इसकी शक्ति दोगुना हो जाती है आपकी और जो आप
चाहते हो उसकी दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच होने लगती है और 34 सेकंड के भी आगे हैं। 34 + 17 = 51। अगर आप 51 सेकंड तक किसी एक चीज पर फोकस कर सकेंगे तो आप जो चाहते हैं वो चीज आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाता है और 51 सेकंड के भी आगे हैं। ये लास्ट स्टेज है इस टेक्निक का। 51 + 17 = 68। अगर आप 68 सेकंड तक किसी भी एक ही विचार पर फोकस कर पाएंगे बिना रुकावट के तो आप खुद फील कर सकेंगे कि वो चीज अब आपके पास आ रही है। आपकी अंतर आत्मा ही कहने लगेगा कि वो चीज आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर आप 68 सेकंड तक किसी चीज पर फोकस कर सकेंगे तो आप इस टेक्निक को तो यूज कर ही रहे होंगे, पर साथ में आप द एक्ट एज इफ टेक्निक को भी यूज कर सकेंगे। वो टेक्निक जिसमें आपको फीलिंग के साथ एक्टिंग करना पड़ता है। जब आप 68 सेकंड तक आप जो चाहते हो उसी चीज पर फोकस करते हो तो आपकी अंतर्मन जानने लगता है कि वो चीज अब आपकी तरफ आ रही है और आपकी अवचेतन मन भी ये मानने लगता है कि आप उसे पा चुके हो। इसी तरह आपकी अवचेतन मन मान जाता है तो आपकी सचेत मन यानी आपका दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, जिसके चलते आप आराम से एक्ट कर पाते हो कि आप पहले से सफल हो। मतलब आप द एक्ट एज इफ टेक्निक को यूज कर पाते हो, मतलब एक टेक्निक को यूज करने के चलते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दोनों टेक्निक को यूज कर पाते हो। अगर आप 68 सेकंड तक किसी भी एक ही चीज में फोकस कर सकेंगे तो वह अवचेतन मन में चला जाएगा और वो आपकी जिंदगी में आने लगेगा। जो लोग इस बात को सच नहीं मानते हैं और प्रूफ यानी सबूत मांगते हो तो सुनो वो इतिहास के जाने माने महापुरुषों में से एक बुद्ध की बात को सुनो, जो ये कहे थे कि आप जो भी हो अपनी जिंदगी में वो उसी का परिणाम है जो आप सोचते हो। आपकी जिंदगी आपके विचारों और सोच पर ही आधारित होता है, और सिर्फ आधारित ही नहीं होता, आपकी जिंदगी आपकी सोच की ही बनी होती है। मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपकी जिंदगी में इधर या उधर से आती है, वो आपके मन के भीतर से ही उत्पन्न होती है। आप ये सोच सकते हो कि आप सक्षम हो तो आप सक्षम हो। मतलब आप सोचोगे कि आप किसी काम को कर सकते हो चाहे वो आपको कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप वो काम कर ही लोगे। व्हाट वी आर टुडे कम्स फ्रॉम आवर थॉट्स ऑफ यस्टरडे एंड आवर प्रेजेंट थॉट्स बिल्ड आवर लाइफ ऑफ टुमारो। आवर लाइफ इज द क्रिएशन ऑफ आवर ऑन माइंड। लास्ट लाइन पर गौर कर रहे हो, लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ आवर ऑन माइंड। इस बात की गहराई को देखो, आपकी जिंदगी आपकी मन और दिमाग की ही रचना है। यहाँ पर सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो जो भी चीज आप सोच सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, वो असल में वर्तमान में इसी वक्त एग्जिस्ट कर रही है। पर आपकी सोच ये तय करता है कि वो इंसान या वो चीज आपके साथ है कि नहीं। तो जब वर्तमान में उसी चीज के बारे में आप सोचते हो तो वो आपके करीब आने लगता है। दुनिया में कई लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानते, पर वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं। ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर सकता हूँ, देखो मुझ में कितना दम है। ये अरे चीप स्टैंड बंद करो भाई, गौतम बुद्ध की बातों को चैलेंज मत करो। एक इनलाइटेंड यानी जागृत व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना बचपना और बेवकूफी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो हर जगह पर काम करती है और वो हर बार काम करती है। आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हो। 90% लोगों में तो ये आसानी से काम करने लगता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। पर ऐसा भी होता है कुछ लोग कितना भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच ले उनकी जिंदगी में नेगेटिव ही होता है। ये इसलिए क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट तरीका ही नहीं पता कि आपके लिए 100% काम करेगा। अगर आपको सही टेक्निक यानी सही तरीका पता हो, सोचना यानी विजुलाइज करना भी एक कला होता है। जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी चीज को सोचना तो आपको लगता होगा कि हाँ बैठ के सोचो सोचो, पर यार बात यह है ना कि आपका दिमाग काफी चंचल है और अगर आप एक चीज सोचने भी बोलोगे तो हजार इधर उधर की बातें आना शुरू हो जाता है। तो उसी को आपको रोकना है। लगातार 17 सेकंड तक आपको एकदम उसी चीज या इंसान पे फोकस करना है, उसी पे ध्यान लगाना है। ज्यादातर लोग 17 सेकंड तक भी फोकस नहीं कर पाते, पर विश्वास करो अगर आपने ये कर लिया ना तभी आपकी जिंदगी बदल देगा। प्रैक्टिस यानी अभ्यास से सब संभव है।
डेली आप प्रैक्टिस करो और देखना आप आराम से किसी भी चीज पे 17x4 यानी 68 सेकंड तक फोकस कर पाओगे। आप पाओगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो क्या आप 17 सेकंड मैनिफेस्ट टेक्निक को यूज करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें। बाकी सब जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन से क्या होता है।